कोरोना वायरस को फैलने से रोकने भारत सरकार द्वारा राज्यों को गाइडलाइंस जारी की गई है। शत प्रतिशत वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने को कहा गया है। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर दुर्ग जिला पूरी तरह से तैयार है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम ने तैयारियों को लेकर विस्तृत हुए बताया कि जिला अस्पताल अपग्रेड हो रहा है, आधुनिक चिकित्सा संसाधनों का लाभ मरीजों को मिलने लगा है। डॉक्टर मेश्राम ने ग्रैंड एशिया न्यूज से अन्य मुद्दों को लेकर भी बातचीत। कोरोना को लेकर के जैसे कि अभी केंद्र सरकार द्वारा एक गाइडलाइंस सभी राज्यों के लिए जारी की गई है, तमाम तरह के सुरक्षा व्यवस्थाओं को लोगों को जागरूक करने के लिए, 2 गज है की दूरी, मास्क है जरूरी आदि को लेकर के गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है। आज हमारे साथ मौजूद है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम जी जिला चिकित्सालय में। आज ये हम उन्हीं से जानते हैं किस तरह की अभी कोरोना को लेकर के जो एक भय का माहौल बनते जा रहा है धीरे धीरे, तो अस्पताल में किस तरह की तैयारियां हैं उसको लेकर। सर नमस्कार, आपका स्वागत है सर ग्रैंड एशिया न्यूज़ में। नमस्कार, सबसे पहले सर सवाल है आपसे ये है कि सर चूँकि अभी जो कोरोना को लेकर के प्रक्रियाएँ चल रही हैं सर, उस पर आपको क्या करना है, जिला चिकित्सालय में सर किस तरह की तैयारी है? देखिए, हम पूरे जिले में हमारे यहाँ पे हम लोगों की हमने अलर्ट भी करके रखा है सबको, और कोरोना के लिए हम लोग हर बार चाहे प्रेस न्यूज़ हो चाहे मीडिया न्यूज़ हो, उसमें हम हर बार लोगों को यही समझाते हैं कि इसके स्ट्रेन बदलते जाते हैं, ये बीमारियां आती जाएगी और ये अभी चलता रहेगा काफ़ी दिनों तक, तो हमें इससे अलर्ट रहना है। पिछले दिनों में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने 20 और 21 को सभी CMHO को बुला के एक समीक्षा बैठक करी थी, उसमें कोविड के बारे में भी चर्चा हुई थी और उसमें यही चर्चा हुई थी कि चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं तो हमको भी अलर्ट रहना चाहिए, तो हमको ही सावधानी बरतनी है और सावधानी से रहने से ही हम अपने आप को बचा पाएंगे। वैसे हमारे यहाँ पे जो वैक्सीनेशन है वो प्रिकॉशन डोज ही को सबको लगवाना चाहिए। फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज जो है वो 98% लगा चुके हैं लोगों ने, और जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन जो होती है जो बाहर से आते हैं और चले जाते हैं उन लोग की संख्या भी यहाँ पे रहती है, तो हमें उनको भी ये समझाना है। और बाकी हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं उन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा दिया है और प्रिकॉशन डोज जिनका बच गया है वो भी करवाएं। वर्तमान में हमारे पास कोवैक्सीन के भी बहुत सारी डोजेस बची हुई है, तो हम चाहते हैं कि वो आ जाए। बाकी हमने कोविशील्ड के लिए भी मांग पत्र भेजा हुआ है राज्य से आते वो भी शुरू हो जाएगा, और लोगों को इसमें बचना ही है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं। इस बात के लिए मैं कोविड के बारे में सबको बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब भी इसका पालन करें। सर चूंकि फर्स्ट और सेकंड डोज जो है ज़्यादातर लोगों द्वारा लगवा लिया गया, लेकिन सर बूस्टर डोज को लेकर के देखा जा रहा है लोगों में उदासीनता देखने को मिल रही है, तो इसके लिए किस तरह की सर पहल अभी आने वाले समय में की जाएगी? देखिए, वो हमेशा लोगों को आप जैसे आपके मीडिया के माध्यम से न्यूज़पेपर के माध्यम से ही पता चलता है, उसमें लोग ये देखते ही रहते हैं कि वर्तमान में जो टेस्टिंग हो रही है उस टेस्ट में अभी कम आ रहा है, कोविड के पॉजिटिव केसेस कम आ रहे हैं, तो लोगों में भय अपने आप से चले जाता है। जैसे ही पढ़े उन्होंने चाइना में आ गया है तो लोगों में भय व्याप्त हो गया। तो कल के रोज काफ़ी लोगों ने मुझसे भी फ़ोन करके पूछा था साहब वैक्सीन लगानी है, तो लोगों के मन में हमें डराना नहीं है, लोगों को समझाना है और ये खुद समझना चाहिए। वैसे भी दुर्ग की पूरी पॉपुलेशन जो है वो बहुत समझदार है और लोगों को आगे बढ़ते हुए अपना वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। सर कोरोना की जांच के लिए जिला चिकित्सालय के अलावा जिले में अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, हमारी जितनी व्यवस्था है सभी CSC PSC में अभी भी है व्यवस्थाएं, और जांच हम रोके नहीं हैं, जांच हमारी होती है, चूँकि लोग जांच करवाने ही कम आते हैं, लेकिन हम फिर से अलर्ट कर दिए हैं सबको। हमारी पूरी CSC PSC में हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, दवाइयों की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है, हमारे ऑक्सीजन प्लांट बने हुए हैं, जिला चिकित्सालय में भी हैं, तो हमारी तैयारी पूर्ण रूप से है और दुर्ग जो है इसके लिए काफ़ी तैयार है। सर चूँकि अब जिला चिकित्सालय दुर्ग पूरी तरह से अपग्रेड हो चुका है, तो सर जो सुविधाएँ पहले नहीं थी अभी कौन कौन सी सर सुविधाएँ यहाँ पे मरीजों को मिल रही हैं? देखिए, दुर्ग जिला चिकित्सालय में वर्तमान में आप देखेंगे तो आपको अपग्रेडेशन नज़र आएगा। यहाँ पे वर्तमान में नई सुविधा भी शुरू हो गई, ICU के बेड्स डल गए हैं और
SNCU भी है जो छोटे बच्चे नवजात शिशुओं के लिए भी जो गहन चिकित्सा इकाई रहती है वो भी है। यहाँ पे स्किन डिजीज के लिए भी हमारी एक डॉक्टर बैठने लग गई है। हमारे यहाँ पे वर्तमान में मनोरोग चिकित्सक भी बैठते हैं और आप देखेंगे कि सीटी स्कैन है ही। हम जाते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। हमारे यहाँ की रीनल यूनिट है, डायलिसिस यूनिट है जो लगातार चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है और यहाँ के लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। उसके साथ में भी हमने अलग से एक हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर जो कि आजकल लोगों में बहुत कॉमन है, उसके लिए भी हमने एक विंग खोली हुई है जिसमें चिकित्सक बैठते हैं और उन लोग अन्य स्टाफ के द्वारा काउंसलिंग भी की जाती है। इसके अलावा हमारे पास अभी हमने सिकलिंग के लिए भी एक नई यूनिट खोली हुई है। सिकलिंग की भी यहाँ टेस्टिंग होती जिला चिकित्सालय में और ओपीडी समय में उनके बारे में उनको समझाया भी जाता है और उसके टेस्ट की रिपोर्ट भी उनको दी जाती है। हम ये चाहते हैं कि लोगों को जिला चिकित्सालय में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लें। अभी हमारे पास NCH विंग जो है उसमें गर्भवती माताओं का इलाज होता है और गर्भवती माताएं बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे हैं। आप कभी भी जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे सुविधाएं आजकल बहुत बढ़ गई है। उसी तरह से गर्भवती माताओं के लिए हमने सीजेरियन सेक्शन सिर्फ जिला चिकित्सालय में भी नहीं, हमारी सभी CSC में चल रहा है। खाली निकुम और बोरी जो है वहाँ पे वो सुविधाएँ अभी प्रारंभ नहीं हो पाई है, लेकिन वहाँ के ऑपरेशन थिएटर बन गए हैं, वहाँ भी जल्दी सुविधा शुरू हो जाएगी। बाकी हमारी जितनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं सभी में सीजेरियन ऑपरेशन की सुविधाएँ हैं। सर हमारे पास अक्सर ये शिकायत आती है सर सुगला शासकीय अस्पताल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में डॉक्टर सर समय पे नहीं पहुंचते, और पहुंचते भी हैं तो सर दूसरे कार्यों में व्यस्त रहते हैं और प्लस जो टाइमिंग है सर उसके पूर्व निकल जाते हैं। सर देखिए ये शिकायत अगर आपके पास आई है तो आपके माध्यम से मुझे मेरे संज्ञान में आई है। मैं इन जिला चिकित्सालय और सुपेला अस्पताल के इंचार्ज जो होते हैं वो सिविल सर्जन होते हैं, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा और उन्हें इस बात के लिए हिदायत दूंगा कि वो स्वयं जाकर के इसके निरीक्षण करें और इस बारे में कोई भी गंभीर शिकायत होगी तो उस पर तुरंत संज्ञान में लेकर तो एक्शन लिया जाएगा। सर अंतिम सवाल है सर, चूँकि कई सारे नर्सिंग होम जो है सर बिना किसी मापदंडों को पूरा किए सर खुल चुके हैं, कई मतलब नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं सर नर्सिंग होम संचालक, तो ऐसे संचालकों पर कार्रवाई करने की किस तरह की तैयारी सर? देखिए हमारे पास कभी भी किसी की भी शिकायत आती है तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं और हमने बीच में करी भी है, आप लोगों ने देखा भी है। वर्तमान में हम अभी दुर्ग में भी हम नर्सिंग होम्स जो हैं उनको चेक करवा रहे हैं, जल्दी आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस नर्सिंग होम पर क्या कार्रवाई हो रही है। ये थे हमारे साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर JP मेश्राम जी, जिन्होंने हमें विस्तार से पूरी तरह से जानकारी दी है कि कोरोना को लेकर के जिला चिकित्सालय सहित इनसे जुड़े अन्य जो स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, अस्पताल में उपलब्ध तमाम संसाधनों के बारे में डॉक्टर साहब ने हमें विस्तार से जानकारी दी। दूर दराज के क्षेत्रों से मरीजों को इसका व्यापक रूप से लाभ मिलता है, देखने को भी मिल रहा है। और चूंकि जो डॉक्टर साहब का एक ये भी कहना कि अगर किसी तरह की कोई शिकायत हो तो डायरेक्ट मरीज के परिजन आकर के उनसे संपर्क कर सकते हैं, इस अस्पताल का लाभ लोगों को लिए जाने की ज़रूरत है। क्योंकि अब जिला चिकित्सालय काफ़ी हद तक अपग्रेड हो चुका है, नई नई व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने को लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जा के साथ संजय दुबे।